स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इससे पहले किया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे लिखा है राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहां पे जो उन्होंने नंबर्स दे रखा है उनका हमें लिखना है मल्टीपल्स, लेकिन उन्होंने यहां पे मेंशन किया है 55 and 105। हमें मल्टीपल्स लिखना है 55 and 105 के बीच में। यहाँ पे मेरे लिए ये जो लिखा है ये बिटवीन है आपका, तो 55 and 105 के बीच में हमें मल्टीपल्स लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं 10 का, तो मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के जो मल्टीपल्स है बिटवीन 55 and 105 के बीच में, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल 5 11 55 55 55, लेकिन उन्होंने पूछा है हमसे 55 and 105 के बीच में, तो हम ये लिखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12 से, क्योंकि 5 11 55 होता है, तो 5 12 60, तो 55 से आगे हमें स्टार्ट करना है 105 तक, 5 12 60 5 18 65, उसके बाद आते हैं 5 14 that is 70, फिर आते हैं 5 15 that is 75, फिर 5 16 80, फिर 5 17 85, फिर 5 18 90, फिर 5 19 95, इसे तक समय लिखना है 105 तक, तो 520 हो गया 200, लेकिन हमें लिखना था कहां तक, यहां पे सॉरी 95 and 5 20 यहाँ पर हो जाता है हंड्रेड, उसके बाद लिखना है 21 105। हमें लिखना था 55 और 105 के बीच में मल्टीपल्स लिखना था 10 का, तो हमने स्टार्ट कर दिया 55 से आगे यानी कि 60 से 65 70 75 80 105, यहाँ तक हमने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन 55 and 105। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करके दिखाता हूं जो कि 15 है। यहां उन्होंने बी में पूछा है, बी में पूछा है 15 का मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 55 and 105। अब हमें लिखना है 15 के मल्टीपल्स लिखना है 55 और 105 के बीच में लिखना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको रन करेंगे मल्टीपल्स में, हमें जैसे टेबल लिखते हैं वैसे ही लिखना है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जैसे 15 से 15 अगर हम 15 3 बात करें तो वो होता है 45, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है 55 से आगे। हम और देखते हैं आगे 15 4 होता है हमारे पास 60, तो 15 3 आपको जो आगे बताते हैं 15 4 60, यहीं से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि 55 से आगे स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है 15 5 that is 75, ये 15 6 That is 90, फिर 15 7 that is 105। ये हुआ हमारा 15 का मल्टीपल्स लिखना था 55 और 105 के बीच में, हमने अगर 53 लिख लेते तो 45 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है 55 से आगे पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 से 60 फिर 5 से 75 6 19 and 7 105। यहां से करना आपको क्वेश्चन नंबर 4 में से ए और बी मैंने करके दिया है। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप पूछा है काय डाउट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 यहां पे देखिए काय है 105 था यहां पे अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 200 एंड 300 और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका ए पार्ट हम देखते हैं 55 ये अब इस 55 पर हमें टेबल लिखना है या मल्टीपल लिखना है बिटवीन 200 एंड 300 के बीच में तो 200 और 300 के बीच में इसका टेबल लिखना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका टेबल लिखते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय हमें 200 से आगे लिखना है और 300 से 300 और 200 के बीच में ही लिखना है तो हम क्या करेंगे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 टू जा तो हो जाता है 110 हमें जाना है आप 300 से तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 4 से चेक करेंगे दैट इज 20 ये हो जाता है 220 हो जाता है अगर हम 3 से चेक करेंगे तो नहीं हो रहा तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 से 55 4 जा 220 उसके आगे हमें लिखना है 55 5 यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है 300 तक ही लिखना है 55 मल्टीप्लाई बाय 6 अब यहां पे अगर हम 6 से करेंगे तो 330 हो जाता है इसीलिए हमें 6 से नहीं करना है हमें सिर्फ 55 4 जा 220 हो जाता है अगर 2 से लगाते हैं तो 55 मल्टीप्लाई बाय 3 लगाते हैं तो 200 से कम हो जाते हैं इसके हम क्या करते हैं ये दोनों ही लेते हैं ये हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 55 बिटवीन 200 एंड 300 उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हमारा 63 82 ये जितने भी क्वेश्चंस हो आप चेक कर देना आपको मैं आपके एग्जाम होमवर्क के लिए फिर से दे रहा हूं होमवर्क के लिए आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 का बी सी डी एंड यहां तक करना है आपको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं सिर्फ 200 और 300 के बीच में ही इनका मल्टीपल देते हैं अगर कहीं भी समझ नहीं आया आ रहा है आपको करना नहीं आया तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हो भेज सकते हो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये भी बहुत ही आसान है जो कि आप कर सकते हैं यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है उन्होंने स्टेट व्हिच ऑफ दिस आर मल्टीपल्स ऑफ 2 फॉर एग्जांपल उन्होंने यहां पे ए पार्ट में पूछा है 72 ये 72 जो है 2 का मल्टीपल्स है या नहीं है हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 72 को 2 से मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है तो उसके लिए हम इस तरह से चेक कर सकते हैं 72 को 2 के साथ हम डिवाइड करके अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये 72 इज 2 ये जो 72 है 2 का मल्टीपल है अगर रिमाइंडर में 0 नहीं बचता है तो इसका मल्टीपल नहीं होगा 2 3 इज 6 यहां पे 1 आ गया और यहां पे 2 2 6 इज 12 इसका मतलब 236 से 72 होता है तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 72 यस 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 72 जो है 2 के मल्टीपल है बिकॉज़ हम यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज़ इट डिवाइड्स completely with 2 हम यहां पे इसका जो रीजन ये बता सकते हैं ये 72 जो मल्टीपल ऑफ 72 जो है इस 2 का मल्टीपल है क्योंकि इट डिवाइड्स ये जो 72 है इस 2 के साथ completely divisible होता है with 2 2 के साथ इसके आगे हम बाकी जो क्वेश्चंस हो आपको करना होगा जैसे B में 81 है C में 896 है इन सभी को 2 के साथ आप डिवाइड करो जैसे मान लो उन्होंने D में 81 दिया है यहां पे 81 तो इस 81 को 2 के साथ डिवाइड करो होता है कि जो देखो 2 4 8
यहाँ पे बात आ गया। अब रिमाइंडर इधर वन रह गया तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था, इसीलिए ये जो एटेबल है इस टू के मल्टीपल नहीं है, तो हम यहाँ बता सकते हैं नो 72 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ टू। इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी रीजन, बाकी जो भी है इस क्वेश्चन नंबर 6 के जो जो पार्ट्स बचते हैं वो आपको करना होगा इस होमवर्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेट व्हिच ऑफ दिस आर मल्टीपल्स ऑफ 10, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन का बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हमने जैसे ए पार्ट में पूछा है 670, तो ये 670 जो है 10 के मल्टीपल है या नहीं है, इसके लिए जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 करना है, यानी कि 670 को डिवाइड करना है विद 10 के साथ, फिर 10 6 60, फिर 7 0 10 7 70, जब रिमाइंडर में 0 आते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जो 670 है इस 10 के डिवाइजिबल है या इसके मल्टीपल है, ये जो 670 वो 10 के मल्टीपल है। इस तरह से आप डिवाइड करके रिमाइंडर में जिसका 0 बचता है वो इसका मल्टीपल होगा, और रिमाइंडर में अगर 0 नहीं बचता है तो उसका मल्टीपल नहीं होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी पार्ट से 6 7 तक वो करके ऐसे होमवर्क के लिए करना, फिर हम कल के वीडियो में बाकी जो एक्सरसाइज 2D है उसके टर्म्स या उसके जो प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर इन सभी के बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें से अगर आप लोगों को कहीं पे कोई समझ में नहीं आता होगा या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो कल के वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो ये होमवर्क अपने नोटबुक में करता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।